राकेश कुमार जी एलजेपी से नेता हैं, आपसे जानना चाहूंगा मैं, आपका क्या स्टैंड है, आपका क्या नंबर है? आप तो सरकार गिरा रहे थे, बीजेपी के साथ सरकार बना रहे थे, बहुत ही ट्रिकी चुनाव लड़ा आपने, आपके जो भी नंबर आएंगे वो क्या कहते हैं, आप इस चुनाव में अभी तक क्या आकलन लेके बैठे? देखिए, मैं पहले अपनी पार्टी की तरफ से तेजस्वी जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरी बात रही, हमारे प्रवक्ता सुनील जी जेडीयू के बता रहे थे कि नीतीश जी सरकार में आ रहे, कहीं भी नीतीश जी सरकार में नहीं आ रहे हैं और ना आएंगे। इन लोगों के साथ 80 सीटों पे हम लोगों ने फाइट किया, जहां पे मार्जिन 500-700 हजार वोटों से है, हम लोग इनको कहीं ना कहीं पछाड़ दिया। और भाजपा की बात रही, हम लोगों ने भाजपा से कहा था, पहले भी कहा था कि अगर बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलते हैं तो एनडीए का पूरा बहुमत से सरकार बनेगी। लेकिन भाजपा और जेडीयू ने हमेशा सुशील मोदी जी को आगे किया, मंगल पांडे जी को आगे किया, यहाँ के भाजपा के शीर्ष नेता जो बिहार के हैं उनको आगे करके कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री को और अमित शाह जी को बरगलाने का काम किया। अगर बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, ये बताइए आप तो ये बताइए कल नतीजे क्या कह रहे हैं, कल नतीजे आपके हिसाब से क्या आने वाले? देखिए, क्योंकि आपने हमेशा एक अलग प्लान रखा है अपने हाथ में, चुनाव हो जाते हैं उसके बाद भी एलजेपी का प्लान बाद में प्लेट पे आता है, तो आपका प्लान क्या है? देखिए, हमारा प्लान बिल्कुल सही है, हम लोग भाजपा के साथ हैं। भाजपा की जो सरकार बनेगी, नया मुख्यमंत्री अगर कोई आता है नीतीश जी के अलावा, अगर एनडीए की तरफ से नया मुख्यमंत्री आता है, हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जो भी जनादेश आएगा हम उनके सपोर्ट करने के लिए तैयार है। भाजपा से कहते हैं, मतलब महागठबंधन को भी अगर जरूरत पड़ी तो उधर भी चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम लोग महागठबंधन के साथ जाएंगे। महागठबंधन के साथ जाने का कहीं दूर दूर से सोच भी नहीं है। एनडीए तो कह चुका है ना सर कि एनडीए का चेहरा तो नीतीश जी है, तो वहां इसीलिए तो आप अलग हो गए। नहीं नहीं, एनडीए ने कहा, आपकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन जनादेश, जनता का जो जनादेश आएगा उस वो मान्य होगा ना, सर्वोपरि वो होगी। ऐसे तो कहने से कोई भी कह सकता, मैं भी मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। कोई आंकड़ा तो दीजिए ना, आप कोई आंकड़ा तो दीजिए। आखिर आप इतना बड़ा चुनाव लड़ गए, एलजेपी को आपने एनडीए से अलग करके बिहार के अंदर चुनाव लड़ लिया, आखिर क्या आपने गुणा भाग किया था जो आपको लगता है कल आएगा सामने? जल्दी से, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे। देखिए, गुना भाग की बात नहीं है, हम लोगों का एजेंडा था कि नीतीश जी को बदलना है। सुशासन बाबू जो है, ये जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, नीतीश जी घोटाले वाले मुख्यमंत्री जी, सात निश्चय वाले घोटाले वाले मुख्यमंत्री जी को बदलना था। भारतीय जनता पार्टी अगर बात मानी होती हम लोगों की, आज ये दुर्दशा नहीं होती। हम लोग इनको 80 सीटों पर फाइट दे रहे हैं, 80 सीटों पर। मतलब आप जेडीयू की दुर्दशा करने के लिए आए थे, आप चुनाव मैदान में जीतने के लिए नहीं आए थे।